बिग बॉस के घर में हर बार तो कंटेस्टेंट तोड़ाफोड़ी करते हैं, लेकिन इस बार शो के होस्ट और फिल्म इंडस्ट्री में राज करने वाले सुपरस्टार सलमान खान ने आतंक मचा दिया। सलमान का शो पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने होस्टिंग ना करने की पूरी प्लानिंग बना ली। यूं कहें कि फिनाले से पहले शो पर ऐसी आफत आई कि शो के बार बार बंद करने की नौबत आ रही है। कभी कंटेस्टेंट घर छोड़कर भागते दिखते हैं, तो कभी सलमान, और इस बार तो सलमान ने जो किया उसके बाद तो बिग बॉस 14 को आखिरी सीजन माना जा रहा है, क्योंकि बात अब सलमान की इज्जत पर आ गई और अपनी इज्जत का ख्याल करते हुए सलमान बिना शूटिंग किए घर चले गए। उन्होंने शुक्रवार की शूटिंग ही नहीं की। सलमान और मेकर्स के बीच इस कदर लड़ाई हुई कि बात शूटिंग तो छोड़ो, हमेशा के लिए शो का दी एंड करने की आ गई। और ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेंट रुवीना दिलैक की वजह से हुई। जी हाँ, रुवीना दिलैक पर हमला करने पर हुई। हम आपको बताते हैं रुवीना की वजह से कैसे सलमान का मूड खराब हुआ और वो सेट छोड़कर भागते नजर आए। दरअसल हुआ ये कि आने वाले एपिसोड के लिए एक मेकर्स ने एक कंटेंट तैयार किया जिसमें रुवीना की डांट लगवाई जानी थी। बेशक उन्होंने टास्क के दौरान कुछ ऐसी गलती की होगी जिसकी वजह से उन्हें सलमान से डांट पड़नी थी, क्योंकि रुवीना दिलैक इस दौरान टीम की लीडर हैं और उनके सामने निक्की गंदे शब्द देवोलीना को बोलती हैं और वो सुनती रहती हैं। उसके बाद रुवीना सोनाली फोगाट को खाने की वजह से खूब सुनाती हैं। इन्हीं सब कारणों से मेकर सलमान से कहते हैं कि रुवीना की क्लास लगाओ, लेकिन सलमान साफ साफ रुवीना को डांट लगाने से मना कर देते हैं। मेकर्स उन्हें फोर्स करते हैं और सलमान को रुवीना की बिना वजह डांट लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेकर्स उन्हें बार बार जबरदस्ती करते हैं, जिसके बाद सलमान और मेकर्स के बीच काफी देर तक कहासुनी हुई। मेकर्स शो की टीआरपी के लिए अपनी बात पर ही अड़े रहे, लेकिन सलमान रुवीना को पसंद करने लगे और उन्हें डांटने के लिए साफ मना कर देते हैं, जिसके बाद सलमान का इतना मूड खराब हो गया कि वो शूटिंग छोड़कर भागे। उन्होंने शनिवार के लिए शूटिंग ही नहीं की। घर जाकर मेकर्स ने उन्हें समझाया तो वो माने, लेकिन उससे पहले उन्होंने रुवीना को एक लेटर भेजा। जी हाँ, सलमान की टीम की तरफ से रुवीना को जो लेटर भेजा गया उसमें साफ लिखा गया है कि रुवीना आप बहुत अच्छा खेल रही हैं और ऐसे ही खेलते रहें, सलमान को आप बहुत पसंद आ रही हैं, लेकिन बुरी बात ये है कि अगर सलमान आपको डांटे तो आप उसे दिल पर मत लेना, क्योंकि ये शो का हिस्सा है, शो के लिए ऐसा किया जा सकता है। ऐसे में यही बात रुवीना अभिनव को समझाती हैं और आने वाले एपिसोड के लिए वो घबरा रही हैं कि पता नहीं कौन सा बम उन पर फोड़ा जाएगा, क्या पता मेकर्स और सलमान की लड़ाई का गुस्सा सच में रुवीना पर ना आ जाए। टीवी की संस्कारी बहू यानी रुवीना दिलैक के सब्र का इम्तिहान तो तब लिया गया जब सलमान खान ने उन्हें खरी खोटी सुनाई। रुवीना अब तक हर कंटेस्टेंट को मुंह तोड़ जवाब देती आई, हर सिचुएशन का सल्यूशन बताती आई। लोग भी उन्हें सबसे होशियार, काबिल और ईमानदार कंटेस्टेंट मान रहे थे, लेकिन उनका ये घमंड सलमान खान ने मिनट से पहले ही तोड़ दिया। वीकेंड के बार में वो सलमान के सामने कुछ बोल नहीं पाई। सलमान की डांट के बाद रुवीना बिल्कुल टूट गई। हम बताएंगे कि आखिर क्यों सलमान ने रुवीना की क्लास लगाई, लेकिन उससे पहले यहाँ तो देखिए जब उनके खुद के पति ने रुवीना पर थूका। सलमान की डांट के बाद घर के कंटेस्टेंट तक रुवीना का खूब मजाक बना रहे हैं, उनका सोना दुश्वार कर रहे हैं, उन्हें चैन से बैठने तक नहीं दे रहे, जिसमें सबसे आगे अर्शी खान है। रुवीना की दुश्मन बनी अर्शी खान उन्हें पल पल में टॉर्चर कर रही है। सलमान की डांट से तो रुवीना का घमंड टूटा ही, साथ ही उनके पति अभिनव शुक्ला ने भी उनका साथ छोड़ दिया। रुवीना को अपने पति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। पति के साथ छोड़ने से रुवीना बिल्कुल अकेली पड़ गई है और हद तो तब हुई जब रुवीना के पति सबके सामने रुवीना के मुंह पर थूक कर चले आए। ये सब तब हुआ जब रुवीना को अर्शी खान ने कुछ घटिया बातों से दबाना चाहा। जी हाँ, सलमान की डांट के बाद अर्शी खान ने रुवीना से कहा कि तेरी औकात सामने आ चुकी है, देख तेरा पति भी अब तेरा नहीं रहा, और उस पर अभिनव कुछ नहीं बोले। ये सच सच ही रुवीना के मुंह पर अभिनव ने तमाचा मारा, उनके मुंह पर थूका। अर्शी खान ने ये तक कह दिया कि देखती हूँ मैं तू कैसे बिग बॉस बिना बनेगी। रुवीना चुपचाप अर्शी के टॉन्ट सुनती रही, क्योंकि वो उस वक्त अपने पति से भी लड़ाई लड़ चुकी थी। हद तो तब होती है जब अर्शी कहती है
कि तू अपने आप को स्टार समझती है तो ऐसी हकीकत पे मैं थूकती हूँ। रुबीना ने कहा कि मैं स्टार हूँ तभी तो तू मेरे पीछे आती है। अर्शी रुबीना को बेहद घटिया बातें बोलती रही लेकिन एक बार भी अभिनव ने जवाब नहीं दिया। लोगों ने अभिनव को भी नोटिस किया, वो चुपचाप पत्नी की बातें सुनते ही रहे। पत्नी पर शांति और अभिनव देखते ही रहे। उनकी पत्नी पर अर्शी ने थूका भी लेकिन असल में तो अभिनव ने अपनी पत्नी पर तब थूका जब वो चुपचाप सुनते रहे। रुबीना अकेली लड़ती रही और जब वो थक गई तो वो बाहर के एरिया तरफ चली गई। वहां भी अर्शी उनसे मुंह लगाने पीछे नहीं हटती है। लोग अभिनव को गलत भी कह रहे हैं जबकि कुछ लोग अभिनव को सही भी कह रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रुबीना को यहाँ अपनी लड़ाई अकेले लड़ना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, रुबीना हार मानकर आउट हो जाएंगी या फिर ये शो जीत कर ही जाएंगी? कमेंट करके बताइए क्या रुबीना दिलायक बिग बॉस 14 का खिताब जीतने लायक है। बिग बॉस 14 का इस बार का वीकेंड बार रुबीना दिलाइक के लिए मुश्किल भरा ही नहीं रहा बल्कि उनकी शादीशुदा जिंदगी पर भारी पड़ गया। जिस रुबीना की खासियत देखकर लोग बिग बॉस 14 का उन्हें विजेता बनाने की पूरी कोशिश में लगे थे, वही रुबीना ने बदतमीजी की हदें पार कर दी। गुस्सा तो तब आया जब वो गेम के बीच में अपने पति को ले आई और उन्होंने गुस्से में आकर अपने पति की खूब बेइज्जती की, ऐसी घटिया हरकतें की जिस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। बताते हम आपको आखिर क्यों सीधी सादी रुबीना का गुस्सा अचानक बढ़ गया, उन्होंने अपने पति पर हमला कर दिया। वीकेंड के बाद में सलमान खान ने रुबीना की अच्छी खासी क्लास लगाई, वो इसलिए क्योंकि रुबीना ने उंगली दिखाकर अर्शी खान का खूब मजाक बनाया। उस उंगली का मतलब रुबीना क्या दिखाना चाहती थी वो तो वही जानती है, लेकिन सलमान की नजरों में रुबीना ने वो उंगली इसलिए दिखाई क्योंकि वो अर्शी को टॉयलेट बता रही थी, इसलिए वो हाथ की छोटी उंगली अर्शी को बार बार दिखा रही थी। रुबीना ने सफाई देते हुए कहा कि वो इसलिए उंगली अर्शी को दिखा रही थी क्योंकि वो उनकी उंगली से चिढ़ रही थी और वो उन्हें परेशान करना चाहती थी इसलिए उन्हें उंगली दिखाई। लेकिन सलमान ने उनकी एक बात नहीं मानी और उन्हें खूब बुरा भला कहा, पूरे सेट पर रुबीना को जलील किया। सलमान ने ये तक कहा कि मैंने अच्छे अच्छों का घमंड उतारा है तो यहाँ तो बिल्कुल भी किसी का घमंड नहीं चलेगा। ये बातें सुनकर रुबीना बिल्कुल टूट गई। सलमान पूरी तरह से अर्शी और राखी का सपोर्ट करते नजर आए। अब रुबीना सलमान से तो कुछ कह नहीं पाई इसलिए जब वो रात को अपने पति के साथ बाहर के एरिया में बैठी थी तो अभिनव उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि सोने का ड्रामा मत करो, चुपचाप सो जाओ जाके। रुबीना चुपचाप सुनती रहती है और गुस्से को पीती रहती है। उसके बाद फिर अभिनव कहते हैं कि राखी का जो मजाक उड़ाया गया वो सच में बाहर के लोगों को बहुत बुरा लगा होगा। अभिनव की बात सुनकर रुबीना बुरी तरह इरिटेट हो जाती है और गुस्से में कहती है कि ठीक है मैंने सुन लिया और बार बार ये बात बोलने की जरूरत नहीं है।